एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शादियों का सीज़न आ रहा है और शादियों के सीज़न में क्या होता है, हम लोग खाते हैं बहुत सारा खाना, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, और उसको खाने से हमारे पेट में होती है एसिडिटी, जलन की समस्या। और इससे क्या होगा कि हमें खट्टे ढंकार यानी कि एसिडिक जो वर्ब्स आते हैं उनकी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो आप आज की वीडियो में आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि एक सिरप का है, एंटासिड ही है ये। इसका काम क्या है, इसका नाम पहले हम नाम जान लेते हैं। तो नाम है इसका पेंटोप MPS, और ये बिल्कुल शुगर फ्री है। और यदि हम लोग बात करें इसकी कंपोजिशन के बारे में, तो इसकी कंपोजिशन भी में जो यूज़ किए गए हैं उनका सिर्फ ये काम है कि आपके पेट में गैस को नहीं बनने देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसमें क्या क्या इसकी कंपोजिशन है, और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें मतलब इसमें पाई गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और आप इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लें, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार दवाई जो होती है ना वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, निचले वाले सरफेस पे, बॉटम सरफेस पे, तो उसको आपको अच्छी तरह से शेक कर लेना है यूज़ करने से पहले। और बात करें हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें लिखा है कि एक्टिवेटेड डाई मेथिकोन है, और 50 mg है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, 250 mg है, ड्राइड एलुमिनियम है, हाइड्रोक्साइड जेल है, और सोर्विटोल है। और इन सब का काम ये है कि हमारी ये पेट में गैस को नहीं बनने देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, और काफ़ी मतलब मेरे को ये इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि देखिए, एक तो ये अच्छी सी पैकेजिंग में आता है, यानी कि प्लास्टिक की पैकेजिंग में है, तो इसको टूटने का डर नहीं है। क्योंकि यदि ये कांच की बोतल में आएगा तो उसका टूटने का डर रहता है ना, यदि बच्चे भी इसको गिरा देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है इसके टूटने की। सेकंड थिंग कि बहुत ज़्यादा ये असर करती है, बहुत जल्दी असर करती है, लेकिन यहाँ पे जितनी डोज बताई गई है आपको उतनी ही यूज़ करनी है, आपको ओवर डोज की यूज़ नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ ना करें, आप पहले डॉक्टर के साथ कंसर्न करें, यदि आपको डॉक्टर बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, अब तभी इसको यूज़ करें, खुद से आप इसको यूज़ ना करें। बात करें हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ऐसे तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, माइन्यूट से साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन हाँ होता है कि हर किसी का जो शरीर होता है अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, सर दर्द की समस्या हो सकती है, चक्कर आना एक्सेट्रा। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप पहले डॉक्टर के साथ कंसर्न कर लें, तभी आप इसको यूज़ करें। बाकी ये सही है, और आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, और एक एंटासिड है, और यदि आपके पेट में एसिडिटी बनने की समस्या रहती है तो उससे ये छुटकारा पाने में, छुटकारा दिलाने में काफ़ी असरदार साबित हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू गाइस आपको अच्छी लगी होगी, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक, और इस वीडियो को करना है शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।